राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही पार्टी के अंदर संघर्ष चल रहा है। अब एक बार फिर दोनों राज्यों की सरकारों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में पंचायत चुनावों में हार और गुटबाजी से त्रस्त कांग्रेस को भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी झटका दिया है। उसने गहलोत सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। बीटीपी ने आरोप लगाया है कि जिला परिषद प्रमुख और पंचायत चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए थे। बीटीपी नेता छोटू भाई वसावा ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी और कांग्रेस एक है और वे क्षेत्रीय दलों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं। वे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर उन्हें खत्म कर देते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल को लेकर बयान दिया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदेश करता है तब मैं अपना पद त्याग दूंगा। मुझे इस पद को लेकर किसी भी तरह का लगाव नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं। जितने लोग इस मुद्दे को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है, ये राज्य के हित में बिल्कुल नहीं है। इस तरह के राजनीतिक उतार चढ़ावों से प्रदेश की जनता को नुकसान होता है। वैसे बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की राज्य सरकारों पर इस तरह के सियासी संकट की खबरें सामने आई हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने के प्रयास का आरोप लगाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना था, ये लोग निर्वाचित सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में फिर से वही खेल शुरू हो चुके हैं और यही इनकी मानसिकता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग महाराष्ट्र सरकार को निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही 2020 के ही जुलाई महीने में राजस्थान के अंदर कांग्रेस के दो शीर्ष नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बड़े पैमाने पर टकराव देखा गया। इस टकराव के चलते राजस्थान की कांग्रेस पर संकट घेरा गया था। छत्तीसगढ़ में भी बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया था कि ये राज्य में कांग्रेस की आखिरी सरकार है और इसका लंबा भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा था, हमने कभी अधिकृत तौर पर नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार को गिराएंगे, ये सरकार अपने कर्मों से गिरेगी। अशोक गहलोत अपना घर खुद संभाल नहीं पाए हैं। अब देखना होगा कि दोनों राज्यों में कांग्रेस कैसे अपनी सरकार बचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।